अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीना ज़ीशान और मैं वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुकिंग विद ज़ीना में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मैंगो रसमलाई। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड हसबे ज़रूरत, दूध 3 कप, मैंगो प्यूरी 1 कप, सब्ज़ी इलायची 2 से 3 अदद, उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, बादाम कटे हुए हसबे ज़रूरत, पिस्ता कटा हुआ हसबे ज़रूरत, चीनी हसबे ज़ायका, क्रश कोकोनट 3 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून, कंडेंस मिल्क 3 टेबलस्पून। पैन में दूध डालेंगे, दूध में उबाल आ गया, अब इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ी इलायची, चीनी, कंडेंस मिल्क, मिल्क पाउडर, 1 अदद ब्रेड का स्लाइस, छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे, 1/2 कप मैंगो प्यूरी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते, रसमलाई के लिए दूध तैयार हो गया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब रसमलाई की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैंगो प्यूरी 1/2 कप, क्रश कोकोनट, मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसे साइड पे कर लेंगे। अब ब्रेड को काट लेंगे, ब्रेड को मैंने पीसेस में काट लिया है। अब ये ब्रेड उठाएंगे और ये जो इसका मिक्सचर बनाया था ये इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे, इस तरह बंद करते जाएंगे और रखते जाएंगे। इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी। सबसे पहले दूध जो हमने तैयार किया था वो डालेंगे, रसमलाई रखेंगे,
मज़ेदार से मैंगो रसमलाई तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।